दोस्तों आज पैंट की थाई टाइट करना बताएंगे। अगर आपकी पैंट की थाई भी लूज है तो आप उसको किस तरह से टाइट कर सकते हैं, तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखें, तभी आपको आएगा। आप घर में ही आराम से थाई को टाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वाला पॉकेट वाला साइड है, तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे, आपको प्रॉपर देखना होगा। नमस्कार दोस्तों, टेलर टेक चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यहाँ से आपको प्रॉपर देखना होगा कि किस तरह से हम इसको करेंगे। दोस्तों इसमें हमने ये यानी कि एक पैर की सिलाई लगाएंगे, उस हिसाब से हमने निशान लगा लिया। तो यहाँ पर मिलाएंगे 0% से ऊपर, और नीचे भी हम 0% में मिला देंगे। इसको दिखा देता हूँ मैं पूरा आपको, यहाँ पर से ये देखिए 0% में मिला दिया मैंने। तो दोस्तों इस तरह से 0% में मिल जाएगा यहाँ नीचे भी। अब दूसरी तरफ भी हम फिर निशान लगा लेंगे, देख लीजिए। इसी तरह से हम दूसरी तरफ से भी निशान लगाएंगे, और ये देखिए यहाँ से। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपकी हेल्प करती है तो लाइक ज़रूर कर दें एक, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि हमारे माताएं भाइयों को बहनों को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों ये आसन वाला एरिया है, आसन टाइट नहीं करना है, वहाँ से 0% से लेना आसन के बगल से। ये किनारे से देखिए, यहाँ से लेके घुटने तक के हमको निशान लगाना है, एक पैर की दोनों तरफ से एक एक पैर, यानी कि एक एक पैर का हिसाब से हमारा दोस्तों 1.5 इंच टाइट हो जाएगा थाई। थाई हमने 1.5 इंच टाइट कर लेनी है दोस्तों इस तरह से। तो इसके बाद मैं आपको मशीन में ले जाकर सिलाई लगा कर दिखाता हूँ। एक ही पैर में मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये छोटी वीडियो बने और आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए। तो दोस्तों इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगाना शुरू कर देना है। तो दोस्तों आप भी अगर कोट पैंट की फिटिंग करना चाहते हैं तो आराम से चैनल में जाएं, चैनल में वीडियो मिल जाएंगी, उसमें आप सीख सकते हैं। तो यहाँ 0% से लिया दोस्तों मैंने नीचे किनारे से 0% से लेके ऊपर तक मैं इसको सीधी सिलाई लगा दूँगा दोनों तरफ, और दोनों पैर में लगाऊँगा। एक पैर में मैंने बताया है, आप दोनों पैरों में करिए, दोनों बॉटम में इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो दोस्तों सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर इसको पक्का भी कर लेंगे हल्का सा, क्योंकि सिलाई जो है बाद में तो देना, मैंने सिलाई लगा दिया। आप ये देख लीजिए, अच्छी तरह से इनको कटिंग कर लीजिए थोड़ा सा, और वीडियो अंत तक जरूर देखना दोस्तों, तभी आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा हाइट टाइट कैसे करेंगे हम। डबल तरफ से सिलाई लगा रहे हैं, दूसरी तरफ से भी लगा दूँगा। 0% से उठाना है और 0% में ख़त्म करना है, बीच का पोर्शन हमको दबाना है। तो इस तरह से हम इसको कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ से 0% से लेंगे हम, देख लीजिए दूसरी सिलाई लगा रहा हूँ मैं इस तरह से, और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना प्रेस करने तक, ताकि आपको बिल्कुल सीधी क्रीज बन जाए, सीधी क्रीज मिले, और क्रीज भी सीधी हो और पैंट की थाई भी टाइट हो जाए। इस तरह से थाई टाइट कर लेंगे दोस्तों हम। चाहता हूँ तो मैं छोटी वीडियो एक एक ही पैर में सिलाई कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो छोटी बड़े और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मैं वीडियो को फास्ट कर देता हूँ तो दोस्तों वो भी समझ में नहीं आता है लोगों का, तो परेशानी पड़ती है फिर, तो इसलिए दोस्तों मैंने ज़्यादा फास्ट नहीं कर रखा है, क्योंकि प्रॉपर समझ में आ जाए। तो दोस्तों मैंने सिलाई लगा ली है, अब ये पुरानी वाली सिलाई को निकाल लूँगा मैं आराम से, जो बाहर वाली सिलाई होगी पुरानी वाली सिलाई निकाल देता हूँ आराम से। दोनों तरफ की सिलाई निकाल दे रहा हूँ, और मैंने दोनों बॉटम कर दिए हैं, मैंने दिखा एक रहा हूँ आपको। तो दोस्तों अगर आपने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लें दोस्तों, लाइक ज़रूर कर लें प्लीज़। आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे को बहुत महत्वपूर्ण होता है मेरे लिए। इस तरह से दोस्तों ने सिलाई निकाल दिया, अब इसको अच्छी तरह से हम प्रेस कर लेंगे। दोस्तों देखते जाइए, वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो आपकी थाई ऑटोमेटिकली आपकी टाइट हो जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों, तो देखते जाइए, क्योंकि मैं फास्ट कर देता हूँ तो फिर आपको भी समझ में नहीं आएगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। लोग जो है आप स्क्रिप करके देख ले, अगर आपको समझ में आ गई तो। अच्छी तरह से इसमें पानी लगा ले, क्योंकि क्रीज भी प्रॉपर इसके जो सेटिंग हो जाए। इस तरह से दोस्तों मैंने प्रेस कर दिया एक तरफ से, और दूसरी तरफ से प्रेस कर लेंगे।
बस थोड़ी सी और रहेगी दोस्तों, कंप्लीट हो ही जाती है, दो तीन मिनट की और रहेगी, तीन मिनट की। इस तरह से दोस्तों ये मैंने प्रेस कर दिया है। अब इसको मैं सीधा करके बाहर से क्रीज भी बनाऊंगा। और दोस्तों हाँ, एक ख़ास चीज़ ध्यान रखना, कॉटन का कपड़ा रखना ना भूलें दोस्तों। इस तरह से हमारे प्रेस हो चुकी है, कॉटन का कपड़ा ज़रूर रखें, कॉटन का कपड़े ऊपर से रखें ना, शाइनिंग आ जाएगी पैंट में, तो आपकी एक महंगी पैंट ख़राब हो सकती है, उसका बहुत ध्यान रखें क्रीज बनाने के वक्त। इस तरह से दोस्तों हमारे कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए। बस अब इसके ऊपर से हमने क्रीज बनानी है हल्की हल्की, और सेंटर में इस तरह से मैंने दोस्तों कपड़ा रख दिया था इसमें, ये देखिए, ये रखता हूँ कपड़ा अब, ये देखिए, इसमें हम थप्पड़ प्रेस मार लेंगे। वीडियो थोड़ी कम फास्ट कर रखी मैंने, अगर ज़्यादा फास्ट करता हूँ तो दोस्तों फिर समझ में नहीं आता है। ये देखिए क्रीज बहुत जरूरी है दोस्तों, इस तरह से क्रीज बनने लगी है, और दोनों तरफ से मार लेंगे हम, दोनों तरफ से पलट कर भी, सीधी तरफ से भी, ऊपर ऊपर तक की क्रीज बनाएंगे इस तरह से। और अगर शाइनिंग नहीं आ रही तो आप खाली प्रेस को मार सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप वेस्ट एंड नैरो करना चाहते हैं पेंट को, और शर्ट की फिटिंग करना चाहते हैं, चैनल में विजिट करें, आपको वहाँ पर वीडियो मिलेंगे, वीडियो देख के आप कर सकते हैं। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों, ताकि हमारे माताएं बहनों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके, और दोस्तों को भी फ़ायदा मिल सके, दो पैसे कुछ पैसे आप बचा सकें, घर में बैठ के आराम से कर सकते हैं इस काम को। तो दोस्तों इस तरह से मैंने प्रेस कर दिया है। तो ऑनलाइन सीखना चाहता हूँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको ऑनलाइन सिखा दूँगा नैरो करना भी। और नई कटिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट करें, नई कटिंग के बारे में बता दूंगा कि कौन सी चीज़ कैसे कटेगी, तो आप मेरे को कमेंट करते हैं, मैं उस हिसाब से आपको वीडियो या वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा, या ऑनलाइन आके मैं समझा दूंगा। मैं बुधवार को आता हूँ 11 बजे ऑनलाइन। तो दोस्तों इस तरह से हमारी क्रीज बन चुकी है, कम्प्लीट हो चुकी है। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस तरह से दोस्तों हमारा कंप्लीट हो चुका है, देखिए अभी थोड़ा सा रहता है, जहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे लगता है तो आप कर सकते हैं। इसमें शाइनिंग नहीं आ रही दोस्तों, मैं सीधी प्रेस मार रहा हूँ, आप भी ऐसा कर सकते हैं, तो प्रॉपर मिला लीजिए। थैंक यू दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा कंप्लीट हो चुका है, थैंक यू।